What's up people, welcome to Sarai Digital Network। तो आई गेस आपको थंबनेल से मालूम चल चुका होगा कि आज हम लोग का वीडियो किसके ऊपर है। एनीवेज वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आई मीन टू से हमको आप लोगों का एक मदद चाहिए। सो प्रॉब्लम है यहाँ में, ये मेरा बहन का साइकिल है एंड यहाँ में आप देख सकते हैं इसका जो पंप डालने वाला सिस्टम है ये पुराना ज़माना का है और मेरा पंप है कुछ इस टाइप का। ये हम लोग का ट्यूबलेस टायर में लगता है, इसको इसमें कनेक्ट कर सकते कि नहीं सकते आप लोग हमको थोड़ा बताओ। सो ये था मेरा क्वेश्चन आपके लिए एंड अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम है तो हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये पंप लगता है या हमको दूसरा पंप लगाना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पे है मेरा पापा का डस्टर एंड आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये आपको अगर दिखाई दे रहा होगा ये बेंड हो गया, इसमें एक डेंट आ गया। सो हो जाता है कभी कभार, ऐसा कौन है जिसने आज तक गाड़ी नहीं ठोका। सो अगर आप इस तरफ से देखिएगा तो ये पूरा फुला हुआ है, मतलब ये इसका करेक्ट पोजिशन है। सो आज हम लोग देखिएगा कि हम लोग ये डेंट को रिपेयर कर सकते कि नहीं सकते एंड इसको रिपेयर करने के लिए हम लोग को पहले जाना पड़ेगा टेंगा गैरेज में। सो चलते हैं अभी डस्टर लेके। सो आगे आप लोग ने देखा होगा कि हम कुछ बाल्टिंग वाल्टिंग बुक के लाया था, तो ये है यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बाल्टिंग है एंड इसके बाद ये एक हॉट केटली है जिसमें इलेक्ट्रिक केटली है जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं। सो बहुत सारे लोग को तो समझ में आ ही गया होगा बट एनीवेज अभी हम आपको करके दिखाएंगे। सो पहुंच चुका है अभी हम लोग टेंगा गैरेज में एंड यहाँ का जो मैकेनिक है वो लोग शायद एक गाड़ी का टेस्ट राइड लेने गया है। सो एनीवेज हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेगा एंड अभी हमने यहाँ में पानी भी जमा कर लिया। सो दिखाएगा आपको क्या करते हैं लेकिन थोड़ा देर हम लोग को अभी रुकना पड़ेगा। सो फाइनली टेंगा गैरेज का आदमी लोग आ गया, क्या ऐसा पार्किंग लेने के एक दिन गया तो नेक्स्ट डे डायरेक्ट आया। एक्चुअली हम भी भूल गया था कि मंडे था एंड मंडे में दुकान हाफ डे होते हैं। सो एनीवेज अभी हम लोग की गाड़ी का जो इनर फ्लैप है उसको खोल देगा एंड यहाँ में हमने केटली गर्म किया है पानी गर्म करने के लिए, तो आप लोगों को दिखाएगा हम क्या करने वाला है। सो वीडियो देखते रहो। अभी यहाँ का अंदर वाला खोल रहा है हाथ घुसने के लिए। और यहाँ में बिमल भैया और ये अकलू भैया गाड़ी बना रहे, क्या लगता है सक्सेसफुल होगा लगता है कि नहीं होगा लगता है आपको पानी से सीधा करने वाला हुआ कि नहीं होगा पानी से सीधा। नया सीखा है, हम लोग भी सीखता हूँ। सो अभी ये खुल गया, अभी इसके ऊपर हम लोग यहाँ में गर्म पानी रखा है, इसको डाल के देखिएगा क्योंकि हमने बहुत वीडियो में देखा था पानी से थोड़ा ये नरम हो जाता है, तो अभी ट्राई करके देखिएगा और अंदर से भी फेल के देखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैं थोड़ा बाहर आ गया
पूरा एग्जैक्ट शेप तो नहीं पकड़ा, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डेंस आपको दिखाई दे रहा है, बट पहले से ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा है क्योंकि पहले डायरेक्ट अंदर घुसा हुआ था, अभी अगर आप दूर से देखने से इतना मालूम नहीं चलेगा। सो एनीवेज लगभग मोटा मोटी हम लोग को सक्सेस तो मिला है। ये एक बार ये साइड से आप देख लो, एंड अभी आप पुराना वाला से एक बार कंपेयर करके देख लो कैसे लग रहा है। सो ये लगता है जिसने मेरा मदद किया, भाई नाम क्या है आपका? शत्रुघ्न। और यहाँ हम लोग टेंगा गैरेज का विमल भैया। सो एनीवेज अगर आपको टेंगा में कोई भी गाड़ी का काम कराना है तो आप टेंगा गैरेज आ सकते हैं, एंड बाकी कुछ थोड़ा सा बात है घर जाके बोलता हूँ मैं, तब तक के लिए वीडियो क्लोज करता है अभी। सो अभी फाइनली हम आज क्या किया था उसका एक छोटा सा समरी रिपोर्ट दे देगा। हमने क्या किया था बेसिकली कि हमने हम लोग का जो डस्टर का जो डेंटेड वाला पोर्शन था उसमें गर्म पानी डाला, एंड उसके बाद उसको पीछे से धक्का मारा। गर्म पानी डालने से क्या होता है कि आपका जो वो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, एंड उसका आप धक्का मार सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वो बाद में टाइट हो जाता है। सो अभी ये चीज़ रिकमेंडेड है या नहीं है एंड किसके लिए है? सो ये मेथड तभी यूजफुल होगा अगर आपका गाड़ी में डेंट सीधा लगा हो या थोड़ा नॉर्मल से जैसे ऐसे लग के जस्ट चिपटा हो गया उसमें होगा, लेकिन आपका गाड़ी में अगर ऐसे रगड़ के गया या ऐसे ऐसे जगह में इम्पैक्ट लगा है जहाँ से आपका हाथ नहीं पहुँचता या आपको पूरा चीज़ खोलना पड़ेगा, जैसे कि आप मेरा ये ग्रैंड आई10 का भी केस में देख सकते हैं, हमने अभी ये मेरा आई10 में अभी थोड़ा सा धीरे से इम्पैक्ट किया है, तो ये इम्पैक्ट के बाद आप रिजल्ट देख सकते कि ये अंदर घुस गया, लेकिन इसको अभी हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसको पीछे से ठेलने के लिए हमको पूरा दरवाज़ा का पोर्शन लोग को डिसमेंटल करना पड़ेगा, सो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सो इस केस में ये इतना रिपेयरेबल नहीं है, ये उसी जगह में रिपेयरेबल है जहाँ पर आपका हाथ एक्सेस होता है, एंड उसी डेंस के ऊपर यूजफुल है जो डेंस लाइक आप ठेल के सीधा कर सकते हैं। तो बहुत जगह में सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत जगह में नहीं भी होते हैं, सो डिपेंड्स अपॉन आपका डेंट कैसा है ना। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, एंड हमने मेरा गाड़ी में जो डेंट मारा वो भी आपको पसंद आया हो, तो उसके लिए भी एक लाइक तो बनते हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन हम आपको मिलेगा मेरा अगला वीडियो में। साइनिंग ऑफ, सराय डिजिटल नेटवर्क। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Saraya Digital Network channel and also hit the bell icon. Also, follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.